बहुत मुश्किल होता है सुबह उठना, बैर का नजारा चेक करो, दूसरा काम लाइट करो ऑन, रिमोट पकड़ो और जनाब को करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा काम ट्रैवल की जगह इम्पोर्टेंट चीज। حي على الصلاة चलो ये भी इसको उतारती हैं और जो काम के कपड़े हैं ना वो पहनते हैं। पानी की बोतल में ना मेरे से पानी थोड़ा कम है फिर भरते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मैंने पानी डाल दिया, चीनी, ड्राई मिल्क, ये तीन पैकेट लिए, थोड़ा सा शहद भी कर लो ऐड, और मिक्स करने के लिए चम्मच रखो इधर तैयार। ये पराठे मैंने खुद गर्म किए हैं, चाय भी आपको पता है, ये सालन है पुराना, पानी और सामने कर इसको मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आज ना कपड़े भी धो ही लेते हैं, नॉर्मली ना मैं संडे को कपड़े धोता हूँ, ये हमारे घर का लेटर बॉक्स, ये शाह जी की गाड़ी है, वो रही अपनी शहजादी, ये गाड़ी भी मेरे दोस्त की है। बैर के मुवालक की जो सबसे अच्छी चीज है जिसके लिए हम सब आते हैं ऑब्वियसली वो है उसका आउटपुट। जितनी इंसान मेहनत करता है उतना आपको फल मिलता है, और हमारे पाकिस्तान में क्या सीन है कि बंदा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको उसका रिवार्ड नहीं मिलता। तो मसला क्या है कि हमारा सिस्टम जो है ना वो ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो गरीब बंदा है ना वो जो भी कर ले वो ऊपर नहीं आ सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इधर कोल्स और वूलवर्थ दो ब्रांड है जिधर से लोग नॉर्मली अपनी डे टू डे चीजें इस्तेमाल जो होती है वो खरीदते हैं। उधर चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है सब ने उधर ही आना है। तो हमारे हुक्मरान अगर इस पे थोड़ा काम कर लें तो हम इधर बैर बिल्कुल ना आए। इंशाल्लाह पहली राइड ही मुझे पड़ गई थी मेलबर्न एयरपोर्ट की, तकरीबन राइड मेरी थी ये 40 किलोमीटर। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना ये सारी कार पार्किंग है। टोटल ना चार टर्मिनल हैं, ये टर्मिनल 2, 1 और 3 पीछे निकल गए और 4 ना सबसे लास्ट में बना था और वो बिल्कुल अलग ही है। अब पेट्रोल है ना काफ़ी लेकिन फिर भी डुलवा लेते हैं, उसकी वजह ये है एक तो कॉफ़ी ये पुरानी है इसको फेंकते हैं, नई कॉफ़ी लेते हैं इधर से, और अगर किसी ने वाशरूम वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि वैसे ना इधर एयरपोर्ट पर इतनी जगह होती नहीं है। तो बाकायदा एक अलग से क्यू है, मैं उधर भी जाऊंगा आपको दिखाऊंगा भी। चलो ये ओपन करो, निका कर बड़ा सिंपल है, इधर से आपने उठाना है डालना स्टार्ट कर देना है। ये जनाब मैकडोनल्ड की ड्राइव थ्रू, अभी पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड ना स्टार्ट हो गया है, चेक कर रहे हो वाइल्ड बीन, ये नॉर्मली ज़्यादातर ये बीपी के पेट्रोल पम्प ही होते हैं। ये कॉफ़ी ना मुझे मिली है हाफ प्राइस पे, उसकी वजह यह है कि जो ऊबर वाले होते हैं ना उनको 50% ऑफ पे ना ये बीपी वालों का स्पेशल डिस्काउंट होता है। वैसे भी इनकी एक अपनी एप्लीकेशन भी है, तो ये मेरे ख्याल से जो कैंटस की है ना एयरलाइन उनकी मुलाजमीन के लिए, आई एम नॉट श्योर, ये मेरा तुक्का ही है। कर रहे हो चेक, इधर नॉर्मली सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये पता चल रहा है चूड़ियों वाली गाड़ी, ये भी इधर टैक्सी के लिए यूज हो रही है। ये हैवल पाकिस्तान में इसका भी बड़ा नाम है, लुगर ये भी बड़ी मशहूर है, ये भी मेलबर्न ही है। और ये क्यों है, क्योंकि इधर हमारे जो देसी बंदे हैं ना वो आते हैं। सुनिया हूँ दूर दूर हैं ये, एक बार सिर्फ लैके आया सी तो उस तो बाद हूँ ना लिफ्ट नहीं देता। ये उन्होंने बताया कि फेंकना नहीं है,
और ये हमारी आवाम की करतूत। इधर नॉर्मली ना तकरीबन आप बारी आ जाती है 45 मिनट के बाद। वैसे मैं अगर अपना बताऊं तो इधर कोई वर्थ नहीं है, इतनी देर में बंदा सिटी चला जाए तो उतने बंदा ज़्यादा डॉलर बना सकता है। हाँ, जिसने वॉशरूम करना है, कुछ खाने पीनी है तो वो ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। चलो जी, जाते जाते ना अपने लेटर बॉक्स भी चेक कर लें क्या सीन है। मेरे ख्याल से ना सिक्योरिटी का कोई आया हुआ है, मैंने अप्लाई किया था, वही होगा। चलो जी, ये हमारे दो जद्दी पुश्ते काम है इधर। चलो जी, लिसनर्स जो है ये भी आ गया सिक्योरिटी का। अभी हम इधर के ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड बन गए थे, कुछ पढ़ पुढ़ के ना इधर हम उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं।